हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। जसपुर में बाल विकास परियोजना ग्रामीण में एक बार फिर घोटाले का मामला सामने आया है। मामला जसपुर बाल विकास परियोजना ग्रामीण के उमरपुर गांव का है, जहां महिलाओं ने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से हर महीने महिलाओं को महिला सशक्तिकरण योजना के तहत अन्य सामान के साथ साथ सैनिटरी पैड भी दिए जाते हैं, जहां सैनिटरी पैड पर सरकारी मूल्य 6 रुपए पड़ा हुआ है, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभार्थी से सैनिटरी पैड का 10 रुपए लिया जा रहा है। वहीं जब लाभार्थियों द्वारा इसका विरोध किया गया तो आंगनवाड़ी केंद्रों ने कहा कि पैड लेना जरूरी है, अगर ये नहीं लिया गया तो आपको कुछ और सामान भी नहीं मिलेगा। लाभार्थियों का कहना है कि बाल विकास यहाँ कोई अधिकारी नहीं आता है, इसलिए इनकी शिकायत भी नहीं हो पाती और ना ही अधिकारियों को इस बात का पता चल पाता है। ये चने की दाल है, गुड़ है और ये दलिया है, ऊर्जा वाला भी मिले हैं ये। हाँ, सैनिटरी पैड भी मिले हैं। कितने पैड है और कितने पैसे आपसे लिए गए? ये 5 पैड हैं और इस बार तो 50 रुपये लिए गए हैं। अब मिठाई है, दाल है और वे हैं क्या कहते हैं, दाना पैड है। कई हमने कि हमें पैड नहीं चाहिए तो क्या राशन को मना कर दी कि राशन नहीं मिलेगा अगर पैड नहीं लोगे तो। आप ही के माध्यम से अभी जानकारी मिली, तो इसमें जांच कराकर संबंधित के जो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।